नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पत्नी के चेहरे पर डाला खौलता हुआ तेल, नागपुर पांच पाउली के पंचशील नगर की घटना। नागपुर की आपराधिक गतिविधियों पर गृह मंत्री के पुलिस विभाग को दिशा निर्देश, पुलिस जिमखाना में बैठक का आयोजन। और यूएस डॉलर बेचने के नाम पर हुई ठगी, इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत मामला आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। शकेलू पति ने सोई हुई पत्नी के चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। ये वारदात पांच पौली के पंचशील नगर में हुई। गंभीर रूप से झुलसी पत्नी का उपचार चल रहा है। आरोपी सतीश भीमटे पेंटर का काम करता है और काफी समय से वह बेरोजगार है। घर में पत्नी भावना तथा दो बच्चे हैं। भावना के मोबाइल में व्यस्त रहने से सतीश उसके चरित्र पर संदेह करने लगा, जिसके कारण भावना से विवाद भी करता था। शुक्रवार सुबह 5 बजे भावना सोई थी, उसी वक्त सतीश ने कहाड़ी में तेल गरम किया, खौलता हुआ तेल भावना के चेहरे पर और सीने पर डाल दिया। भावना गंभीर रूप से झुलस गई, उसका मेडिकल में उपचार चल रहा है। पांचपौली पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि नागपुर महानगर पालिका में पिछले 15 साल से भाजपा की सत्ता है। इन 15 वर्षों में भाजपा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर जनता के पैसों की लूट जारी रखी है। नागपुर वासियों को 24 घंटे जलापूर्ति का सपना दिखाया गया, लेकिन अधिकांश इलाकों में 1 घंटा पानी भी नहीं मिलता। हिमालय लॉन में हुए सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री का स्वागत करते पार्टी के कार्यकर्ता, शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, ये टिप्पणी करते हुए स्थित हिमालय लॉन में शुक्रवार को तैयारी करनी है। आगामी दिनों में इस दौरान पूर्व मंत्री रमेश बंग, पूर्व वलसे पाटिल ने आगामी चुनाव में हुई सभा में उन्होंने आगे कहा कि शहर से विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या ना हो, लेकिन एनसीपी को 151 सीटें की तैयारी करनी होगी। इस दौरान गुलमोहर लॉन में कार्यकर्ताओं ने पार्टी में प्रवेश किया। वलसे पाटिल ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार के समय किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ते ही भाजपा की टीम आंदोलन के लिए सड़क पर आती थी, जनता को गुमराह करके आंदोलन किया जाता था। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, हर वस्तु महंगी हो गई है, लेकिन अब भाजपा के आंदोलनकारी कहां छिप कर बैठ गए। कम कीमत में यूएस डॉलर देने का झांसा देकर एक गारमेंट व्यापारी से 90,000 की ठगी की गई है। इमामवाड़ा पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ईरानी गैंग के सदस्य होने की संभावना है। बंजारी नगर निवासी 68 वर्षीय रमेश भोले 9 अक्टूबर को एक 30-35 साल की महिला कपड़े खरीदने के बहाने भोले की दुकान पर आई। $9,000 की कीमत करीब 6,75,000 रुपए है। भोले ने महिला से खरीदने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद महिला ने पुनः भोले को 21 अक्टूबर को फोन कर डॉलर खरीदने को कहा। वह 90,000 रुपए में बेचने के लिए भोले तैयार हो गए। 21 अक्टूबर की सुबह महिला ने भोले को अशोक चौक के दुर्गा मंदिर के पास बुलाया। वहां महिला 2 लोगों के साथ पहुंची थी। आरोपियों ने जेब से रुमाल निकाल झटका। भोले के अनुसार रुमाल निकालते ही उन्हें कुछ नहीं सूझा। आरोपियों ने एक थैली देते हुए उसमें यूएस डॉलर होना बताया। 90,000 रुपये लेकर आरोपियों ने भोले को थैली सौंप दी। घर पहुंचने पर भोले को थैली में डॉलर की बजाय नोटों के आकार के रद्दी कागज रखे होने का पता चला। उन्होंने इमामवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 2019 को अक्टूबर में इसी घटनास्थल पर एक व्यापारी से 5 लाख की ठगी की गई थी। उसे भी डॉलर बेचने का झांसा देकर शिकार बनाया गया था। उसमें भी एक महिला तथा 2 पुरुष थे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिला तथा उसके साथियों की खोज कर रही है। नागपुर में शुक्रवार शाम को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें शहर में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर जानकारी लेते हुए इसे किस तरह से रोका जाए, इस पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा नवाब मलिक द्वारा समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों के बाद नवाब मलिक को राजस्थान से धमकी दिए जाने के फोन आने पर वो नवाब मलिक से बात करेंगे, ऐसा जवाब गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दिया है।
कायदा आणि सुव्यवस्थेची जी आज आढावा बैठक झाली त्या आढावा बैठकीमध्ये मग ती नागपूर डिव्हिजनची असू दे किंवा गडचिरोलीची असू दे किंवा नागपूर शहराची असू दे मुख्य मुद्दा हाच त्याच्यामध्ये होता की या ज्या घडणाऱ्या ज्या घटना आहेत या घटना मग रेपच्या संदर्भात असतील किंवा मर्डरच्या संदर्भामध्ये असतील अंमली पदार्थाच्या संदर्भामध्ये असतील याच्यामध्ये कमी आलं पाहिजे याच्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजे त्याच्यासाठी अगदी शेवटच्या बीट अंमलदारापर्यंत जबाबदारी सोपवली पाहिजे. बीट अंमलदारावर जबाबदारी सोपवली तर माझ्या मते की त्या त्या विभागातल्या अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत त्या घटना कमी व्हायला मदत होईल. मी जरूर नवाब मलिक यांच्याकडून त्याच्या संदर्भात माहिती घेईन आणि त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांना जर तशी धमकी काही असेल तर निश्चित प्रकारे त्यांच्या संरक्षणाची काळजी आम्ही घेऊ. हिंमत वाढत चाललेली आहे आणि त्याला कारण पण हेच आहे तर त्याच्यामध्ये की आज जो क्राईम वाढतो आहे त्याची जी कारणं आहेत वेगवेगळी कारणं आहेत त्याला कंट्रोल करण्याच्या दृष्टिकोनातून शेवटच्या बीट अंमलदारापर्यंत त्या ठिकाणी जबाबदारी देऊन नियंत्रित करणं आज त्याचा मार्ग आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करू. अशा प्रकारची एखादी घटना घडली तर त्याची सगळी माहिती घेतल्याच्याशिवाय मी बोलणं उचित होणार. बघतो चला एक ब्रेक का मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy 365 Gandhinagar LAD College Square beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हमेशा ही मतदाताओं तक ऑनलाइन मतदान का उनका वोटिंग कार्ड नहीं पहुंचने की शिकायतें मिलती है इसलिए अब अध्ययन करेंगे. नए मतदाताओं ऑनलाइन मतदान के सवाल पर स्पीड पोस्ट अधिकारी देशपांडे ने कहा कि यह पहचान पत्र संकल्पना अच्छी है लेकिन भेजे जाएंगे यह फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. शुक्रवार को जानकारी में उन्होंने बताया कि इस पर NIC से चर्चा की गई है. संपूर्ण राज्य का मुख्य अध्ययन करना होगा. ये तकनीकी विषय होने से सीधे लागू श्रीकांत देशपांडे ने पत्र परिषद में दी. इन दिनों देशपांडे विदर्भ के दौरे पर हैं. उन्होंने शुक्रवार को जिलाधिकारी व चुनाव अमरावती विभाग के बाद नागपुर अधिकारी विमला आर व उप जिला विभाग की समीक्षा की चुनाव अधिकारी मिनल कलस्कर पत्रकारों से चर्चा की जिसके बाद उन्होंने अब वोटिंग कार्ड पोस्टल से आएगा ऐसी जानकारी दी. डीजल की कमी के कारण सितंबर महीने में ST की काफी फेरियां रद्द करनी पड़ी थी. दिवाली में ST की बसें यात्रियों से खचाखच भरी होती है इसलिए दिवाली पर डीजल की किल्लत होने पर ST महामंडल को बड़ा नुकसान होगा. लेकिन इस बार इस नुकसान को टालने के लिए महामंडल के नागपुर विभाग ने कमर कस ली है और तैयारी तेज कर दी है. ST के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को निरंतर सेवा देने का निर्णय लिया गया है. ST की आय बढ़ेगी. जनवरी से सितंबर 2021 के बीच महामंडल के नागपुर विभाग ने 16 करोड़ रुपये खर्च किए. इसकी तुलना में आमदनी 10 करोड़ रुपए ही रही. कोरोना की तीसरी लहर के डर से यात्री बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकल रहे थे लेकिन अब हालात में सुधार होने से लोग यात्रा करने में लगे हैं. ऐसे में ST की आमदनी भी बढ़ रही है. विभाग के नियंत्रक नीलेश बेलसरे ने कहा कि ST महामंडल ने दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है. दिवाली पर 1.5 लाख किलोमीटर दौड़ेगी बसें. दिवाली से पहले ST सुचारू रही है. बसों में यात्रियों की भीड़ लग रही है. वर्तमान में ST महामंडल के नागपुर विभाग की बसें 22,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं. महामंडल ने दिवाली पर और 30,000 किलोमीटर को जोड़ने की तैयारी की है. इससे यात्रियों को सुविधा होगी और ST का राजस्व बढ़ेगा. बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया
कि पिता बेटे के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। पिता के नाते बेटे की देखभाल की व्यवस्था करना बंधन कारक है। साथ ही IIT में पढ़ाई कर रहे बेटे को निर्वाह भत्ते की राशि बढ़ाकर दी जाए। न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर व न्यायमूर्ति गोविंद सानप की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामले में माता पिता दोनों शिक्षक हैं। मतभेद की वजह से उन्होंने तलाक लिया है। जिस वक्त वे अलग हुए थे तब बेटा माँ के गर्भ में था, उसके बाद उसका जन्म हुआ। अब वह संज्ञान हो गया है, धनबाद के IIT में पढ़ाई कर रहा है। अब तक उसकी पढ़ाई का सारा खर्च माँ ने उठाया है। उसने कड़ी मेहनत कर बेटे को बड़ा किया व पढ़ाया। इस बीच पारिवारिक न्यायालय ने बेटे को वर्ष 2015 से मासिक 5,000 रुपये निर्वाह भत्ता अदा करने का आदेश पिता को दिया था। इस फैसले के खिलाफ पिता व बेटे दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। पिता का कहना था कि प्रतिमाह 5,000 रुपये निर्वाह भत्ता देना अवास्तविक है, जबकि बेटे ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए निर्वाह भत्ता बढ़ाकर मांगा था। हाईकोर्ट ने बेटे के पक्ष को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि बेटा मेधावी विद्यार्थी है, वह IIT में पढ़ाई कर रहा है। मौजूदा महंगाई के दौर में उसे 5,000 रुपये में सभी खर्च उठाना संभव नहीं है, लिहाजा वह निर्वाह भत्ता बढ़ाकर देने का पात्र है। पिता पेशे से शिक्षक है, उन्हें 45,000 रुपये वेतन मिलता है। काफी इंतजार के बाद अंततः उपराजधानी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और देर शाम से अब मौसम में ठंडकता महसूस की जा रही है। तापमान में भी गिरावट आ गई है। गुरुवार को तो देर शाम के बाद ठंडी हवा की बायरों ने मौसम को कूल कूल कर दिया। मौसम विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 1.3 डिग्री अधिक रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। दो दिन पूर्व नागपुर का न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा था, लेकिन गुरुवार को ये गिरकर 17.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान गिरने और ठंडी हवाओं के चलते रात में ठंड महसूस होने लगी। यह औसत से 1.5 डिग्री कम रहा। हर वर्ष ठंड की शुरुआत नवरात्र से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष दशहरा के बाद तक भी गर्मी और उमस हलाकान करती रही। अब एक दो दिनों से जब बदराया मौसम छटा, तब से मौसम में ठंडकता आनी शुरू हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 27 अक्टूबर तक नागपुर का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आसमान अमूमन साफ रहेगा, जिसके चलते ठंडकता में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि विभाग ने संभावना जताई है कि सिटी में 27 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। शरद पूर्णिमा के बाद इस वर्ष मौसम में ठंडकता आनी शुरू हुई है। दिवाली के बाद सर्दी के तेजी से बढ़ने के आसार हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB न्यूज़। नमस्कार।